अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? खैर ऐसे होंगे? आज का व्लॉग आप लोग के साथ में रात के 2 बजे मैं क्या काम कर रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। आज सैटरडे था, नाइट था, बच्चों की कल स्कूल नहीं थी, संडे की थी, तो मैं बाज़ार से 2 लौकी लेके आ गई थी। तो आज बस बच्चे कह रहे थे मूवी देखने का प्लान था, तो बच्चे बस पॉपकॉर्न ये सब लेके बैठते, तो मेरे घर में तो मैंने आज रात में लेके बैठी हूँ लौकी। तो मैंने घीस भी लेती हूँ, फ्रीज भी थोड़ा साफ़ भी कर लेती, तो फ्रीज मैंने साफ़ कर ली, लौकी को साइड में रख दी थी इनका। तो मूवी देखते देखते ये काम हो रहा था हमारे घर में रात के 2 बजे। तो बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो खाना खा वाली थे 1 बजे, तो कि ये कर रही थी कह रहा, तो उसके डैडी बोले ऐसा नहीं करते, लाओ मैं करता हूँ। तो उसके डैडी ने भी थोड़ा करने लगे, अब तो मेरा हलवा अच्छा ही बनेगा, क्योंकि बहुत जल्दी से बोलते ना हस्बैंड हाथ नहीं लगाते, आज लगा दिए तो मेरा हलवा तो परफेक्ट बन जाएगा। तो कायरा ने छिलका निकाली और इसके डैडी ने घिस दिए थे, ये मेरा परफेक्ट हो गया था। तो काला होते जा रहा था, तो मैंने इसके अंदर ठंडा डाल दी पानी, अच्छे से देखो उसका कालापन साइड से निकल रहा, और मेरी लौकी एकदम गोरी गोरी होते जा रही थी। तो बस ये मूवी हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करें। लौकी को मेरा सब हो गया था पानी से, अब निकालने का टाइम हो गया था। 5-10 मिनट के ठंडे पानी में इसलिए रख दी थी ताकि उसका कलर एकदम फ्रेश हो जाए और एकदम मतलब सफ़ेद सफ़ेद हो जाए। अब हो गया, मैंने इसे पानी से निचोड़ के अच्छे से दबा के निकाल लूँगी। जितनी ताकत है हमारे खाना बनाने में ना हाथों में, उतनी ताकत हमें लौकी दबा दबा के निकालनी है ताकि एकदम कलर एकदम इसका फ्रेश हो जाए। ये है मेरा संडे का व्लॉग। तो सुबह के हो गए थे 12 बज गए, तो हम सब सो के उठ गए, तो मैंने एक साइड पोहा बना ली थी, बेटी की फरमाइश थी कि मम्मी साबूदाना वड़े फरमा बना दे, तो फ्राई कर रही थी, बना हुआ रखी रहती हूँ फ्रीज में, मैं कभी भी निकाल के उसे फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये कभी भी मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है कि काम आ जाती साबूदाना। तो बस मैंने इसे गोल गोल बना के जाली में रख दी थी फ्रीज में, अब मैं इसे निकालती हूँ, देखो एकदम फ्रेश है अभी भी। अब मैं एक एक करके कढ़ाई में इसे रख दूँगी, गैस चालू कर ली थी, पहले घी नहीं डालूंगी, पहले हमें इसे रख देना है बाकी, क्योंकि जो बचा हुआ पानी है इसके अंदर अच्छे से सूख जाए। तो मैंने गैस पे रख दी थी सिलो सिलो आँच में, देखो अच्छे से 5 मिनट में ये अच्छे से सूख गया था। अब मैं इसमें घी डाल दूंगी, हमें सब जब भी हलवा बनाना है सिलो आँच पे बनाना है। रात में बहुत लेट हो गया था, तो बस बच्चों को नींद आ गई, मूवी ख़त्म हो गई, तो मतलब समझो काम ही ख़त्म हो गया मेरा। तो बस हम लोग सब उठ के सोने चले गए थे, तो सुबह उठे 12 बजे, तो मैंने इसके अंदर घी डाल दिया। अब घी के अंदर इसको लौकी को मैं भूंजूंगी, भूंज के अच्छे से हो गया था, अब मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी। मैंने आधा, ये 1 किलो लौकी है, तो 1 लौकी के हिसाब से मैंने शक्कर ली हूँ 5 कटोरी। घी के ऊपर आ गई, शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गया था। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, वो है वो भी 1/2 लीटर दूध डाल दूंगी, अच्छी तरह से सिलो आंच में इसे भून लूंगी ताकि मेरा लौकी पक जाए। अब इसे ढक्कन लगा के रख दूंगी पकने के लिए। ये पक के थोड़ा सा हो गया था, सूख गया था, तो मैंने इसमें कलर डाल दिया हरा कलर, अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और 15 मिनट के लिए इसे सिलो आंच में पकने दूंगी। आज मैं आप लोग को एक छोटी सी टिप्स बताऊंगी, आप लोग के पास गांव का ये आता है ना डेलिया जिसमें हम रोटी रखते हैं, ये मेरी अम्मी ने मुझे दी थी, तो मैं इसे बहुत हिफाजत से रखती हूँ, क्योंकि ये ना चीज़ बहुत काम की चीज़ है डेलिया, इसे डेलिया कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये चीज़ ऐसी है कि मतलब गर्म गर्म रोटी बनती है ना, तो इसमें रख दो तो गर्म मतलब पानी नहीं छूटता है, तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ, और पराठा भी बनाती हूँ, तो इसमें ऑयल जैसे नहीं होता है, और बाकी चीज़ों बर्तन में पैक करो रोटी वोटी, तो कपड़ा भी पुराना रखना पड़ता है और पसीज भी जाता है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत काम आती है। जब भी गांव जाती है अम्मी, तो मेरी मम्मी लेके आती है, तो अभी तो अम्मी तो है नहीं, बस यादें हैं अम्मी की, तो बस आज इसको मैं आज क्लीन करती हूँ, आपको लोगों को टिप्स भी बताती हूँ। तो मैंने इसको नींबू से अच्छी तरह से घिस ली थी, घिसने के बाद मैंने बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा रख दूंगी इसके अंदर, चारों तरफ फैला दूंगी, फिर विनीगर या कोल्ड ड्रिंक लेके
इसमें डाल दूंगी। अच्छे से डाल के एकदम झाग झाग होने लगेगा, इसे 5 मिनट रखूंगी। फिर उसके बाद एक टूपीट का ब्रश लूंगी और उसे अच्छी तरह से घिसने लगूंगी, चारों तरफ से घिसूंगी। इसमें जो बास है, इसमें जो महक है तेल का, जो भी कुछ है एकदम क्लीन हो जाएगा। बर्तन धोने वाला साबुन भी डाल दूंगी, अच्छी तरह से घिस लूंगी। सिर्फ ये चीज 5 मिनट की काम है, ये आपको 6 महीने तक का कोई बास कोई बदबू कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यूपी में ये ज्यादातर डलिया यूज करते हैं। तो इस ठंडी आ गई है तो ठंडी में हमें आलू के पराठे, मटर के पराठे, मेथी के पराठे, सब के पराठे इसमें ही बनते हैं, तो क्यों ना इसको भी क्लीन किया जाए। तो मैं इस तरह क्लीन करती हूँ, आप लोग कैसा क्लीन करते हैं कमेंट में बताना। और इसे धोने के बाद मेरे क्लीन हो गया था, अब इसे कड़क धूप में रख दूंगी। इसे कड़क धूप में अच्छे से रख देना, एकदम अच्छे से सूख जाएगा। फिर एक कपड़ा या न्यूज़पेपर रख दो और इसके ऊपर पराठे रख दो, रोटी रख दो, कुछ भी रखो, बास नहीं आएगी और किसी को देने में भी बहुत अच्छा लगेगा, एकदम न्यू फ्रेश हो जाएगा। मेरी लौकी पक गई थी, एकदम अच्छे से सब हो गया था। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। आप लोग के पास मिल्क पाउडर है तो डाल सकते हैं, या तो खोवा है वो भी डाल सकते हैं। अगर मैं सिंपल और आसान रेसिपी बता रही हूँ तो मैं खोवे की जगह मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर डाल के और इलायची पाउडर डाल के मैं इसे 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी। ये मेरा लौकी का हलवा झटपट बनने वाली रेसिपी बन के रेडी हो गई है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। अब इसके ऊपर मैं एक ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और खोवा डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।